हेलो एवरीवन साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्किल पे। दोस्तों, आज हम लेके उपस्थित हैं आपके सामने मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड पारसियन यूनिवर्सिटी के से जो लोग बीएड कर रहे हैं उनके लिए ये ख़ास वीडियो होने वाला है। और एक और बात है साथियों, अगर आप वीडियो बीएड के बारे में रेगुलर अपडेट्स लेना चाहते हैं या उसके कोर्स के लिए अगर आप रेगुलर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो बीएड कोर्सेस है वो 2 ईयर कोर्सेस है, यानी कि आपकी जो बीएड होंगी वो 2 सालों में कम्प्लीट करा दी जाएंगी। और ख़ासकर ये जो मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड पारसी यूनिवर्सिटी है, दोस्तों आपको इनके बारे में बता दूं, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बिल्कुल टाइमली सभी चीज़ मेंटेनेंस करती है। ये अलग बात है दोस्तों कि अभी कोरोना के वजह से सभी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो रही है, तो अभी ये सेशन थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि फिर भी ये यूनिवर्सिटी टाइमली जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी। और ख़ासकर दोस्तों उनके लिए वीडियो खास रहने वाले हैं जो 2020-22 में जिनका बीएड चल रहा होगा, तो जो लोग 2020-22 के लिए एडमिशन ले चुके हैं वे लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़े दोस्तों, क्योंकि हम इस चैनल पे अब रेगुलर अपडेट्स लाने वाले हैं, डेली कोर्सेस कराएंगे, डेली आपकी वीडियो अपलोड होंगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नहीं करेंगे साथियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हम लोगों को ये 2 साल में कौन कौन से कोर्सेस हैं, कहाँ से पढ़ाई करना है, तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे। देखिए, आपका जो है यही सिलेबस है आपके बीएड का। अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल हम लोग 2020-22 सेशन का बात करने वाले हैं, यानी कि बीएड सेकेंड ईयर का भी हम लोग बात नहीं करेंगे। इसका मतलब अभी इसको लेकर अभी हम लोगों को टेंशन नहीं है, यानी कि बीएड जो सेकेंड ईयर है इसको अभी हम लोग अभी केयर नहीं करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का फोकस रहेगा कि बीएड का फर्स्ट ईयर का जो रहेगा उस पर हम लोगों का फोकस होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि टोटल बीएड का फर्स्ट ईयर में ये टोटल 10 कोर्स होते हैं, यानी कि टोटल अगर कोर्स का बात किया जाए तो टोटल ये कोर्स होते हैं 10 कोर्स, नंबर 1, 2, 3। जिस तरीके से हम लोग 10th में हम लोग अलग अलग कोर्सेस सब्जेक्ट से करते हैं, जैसे 10th में जब हम लोग रहते हैं तो क्या होता है, मैथ होते हैं, इंग्लिश होते हैं, साइंस होते हैं, SST होते हैं और फिर संस्कृत होते हैं। उसी तरीके से याद रखें कि हम लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल सिलेबस जो है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, और सभी का नाम भी है। क्या क्या नाम है, तो कोर्स नंबर 1 का जो कोर्स नेम है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, मतलब कि पहला सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और इसमें जो है थ्योरी, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा साथियों, जिसमें थ्योरी 80 का होगा और प्रैक्टिकल 20 का होगा। फिर वैसे ही कोर्स 2 है जिसका नाम है कॉन्टेम्परेटी इंडिया एंड एजुकेशन, और ये भी आपका 80-20 का होने वाला है और 100 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर कोर्स नंबर 3 भी है लर्निंग एंड टीचिंग लैंग्वेज एंड अक्रॉस द सर्कुलम एंड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। तो कुल मिलाकर आपके इधर टोटल थ्योरी दिया हुआ है कि कितने नंबर का थ्योरी होगा और कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका फर्स्ट ईयर में टोटल 650 मार्क्स का होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स फर्स्ट ईयर का। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि हम लोगों को तैयारी कैसे करना होगा। साथियों, आपको जानने चाहिए कि प्रैक्टिकल, ये जो प्रैक्टिकल का नंबर दिख रहा है ना, इधर जो प्रैक्टिकल का नंबर दिख रहा, आप ज़रा प्रैक्टिकल के नंबर
पे जोड़े तो 20 20 20, इधर से हो गया 60 70 80 90 100, और इधर से 30, यानी 130 मार्क्स तो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा इधर से प्रैक्टिकल। और अगर प्रैक्टिकल आपकी तगड़ा है तो आप समझिए, अच्छा प्रैक्टिकल तगड़ा नहीं भी है तो हमको क्या प्रॉब्लम, ये तो कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंस करती है। तो यानी कि जो प्रैक्टिकल है उसका हम लोगों को ज़्यादा टेंशन लेकर काम नहीं करना है, हम लोगों को सोचना है ये थ्योरी के बारे में। अब ये थ्योरी के लिए आपके कॉलेज जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होगी उसके लिए आप कॉलेज को जिम्मेवार मान सकते हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये जो थ्योरी का मार्क्स है ये आप पे डिपेंडेंट करेगा, आप जिस तरीके से कॉपी को अच्छा से लिखेंगे, अच्छा से बोल सकते हैं कि अगर लॉन्ग टाइप का है तो सभी तो लॉन्ग ही टाइप के आते हैं लिखने वाले, तो आप कोशिश करिएगा कि राइटिंग थोड़ा सा अच्छा हो और अच्छा से एक्सप्लेन करें, और मतलब कि थ्योरी का ही आपको तगड़ा तैयारी करना होगा, आप बहुत अच्छे 80+ आप मार्क्स करेंगे, नो डाउट्स। तो कुल मिलाकर हम अभी प्रोवाइड कराएंगे आपको इस चैनल पे हमेशा रेगुलर अपडेट्स, यानी कि इस चैनल पे हम लोग रेगुलर जुड़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साथियों चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। मेरा अपना नोट्स से हम लोग भी पूरे पढ़े हुए हैं, हम खुद इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो हमको खुद पता है कि कैसे सवाल आते हैं, तो अपने खुद नोट्स से आपको एक्सप्लेन करेंगे इस चैनल पे। तो बिल्कुल अगर आप नए हैं और 2022 सेशन से जुड़े हुए हैं इसी यूनिवर्सिटी से, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम लोग फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो कि आपका पहला सब्जेक्ट होगा, और थ्योरी 80 मार्क्स का आने वाला है इससे, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का आने वाला है। तो हम लोग क्लियर करेंगे सबसे पहला ये वाला चैप्टर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और इससे वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो दोस्त इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोज में नए अपडेट्स के साथ, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।